हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग में करेंगे कैलेंडर चैप्टर, जो कि कैलेंडर एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ट्रिक के साथ कैसे कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है विद इन सेकेंड में। तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो आप ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2008 मंगलवार था तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है जनरल ईयर। तो लीप ईयर कैसे समझते हैं, अगर 2008 है ये लीप ईयर है कि नहीं, तो 2008 तो हमें लीप ईयर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 2008 जो है वो क्या हो रहा है, 4 से पूरा कट जा रहा है। ठीक है, ये लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाता है मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, और जनरल ईयर जैसे कि 2009 देख रहे हो, तो 2009 क्या ये 4 से कटेगा, ये लास्ट का 2 अंक क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, है ना, शेष बचेगा। तो शेष बच जाता है तो वो हो जाता है हमारा जनरल ईयर। ठीक है, तो जनरल ईयर का समझ में आ गया, लीप ईयर समझ में आ गया क्या होता है। तो जब भी लीप ईयर होता है तो लीप ईयर से अगर हम जनरल ईयर में जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, प्लस 1 करना पड़ता है। ठीक है, जो भी दिन दिया रहता है, डेज दिया रहता है, उस डेज में प्लस 1 करते हैं। अगर हम जनरल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, 2 करना पड़ता है, प्लस का 2 करना पड़ता है। बस इतना याद रखना। ठीक है, कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लीप ईयर से जनरल ईयर में जा रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है। तो लीप ईयर से अगर जनरल ईयर में जाते हैं तो प्लस 1 करेंगे, और जनरल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके अगर बैकवर्ड में जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो पीछे जैसे कि अगर मान के चलो 2008 दिया है तब तो 2009 का पूछ रहे ना, अगर आपको 2009 दिया रहता तब 2008 का पूछता तो क्या करते, तब ये देखते जो पूछ रहा है वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो जनरल ईयर रहेगा, पीछे लीप ईयर में जाना होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर देखते हैं उसमें कैसे प्लस और माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये मंगलवार है तो जनरल ईयर ये क्या है, 2008 लीप ईयर है, तो लीप ईयर से जनरल ईयर में जा रहे हैं ना, लीप ईयर से क्या जा रहे हैं, जनरल ईयर में जा रहे हैं। तो मींस कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लीप ईयर से अगर जनरल ईयर में जा रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखिए क्या कह रहा है, जनवरी की बात करें। ठीक है, तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में जो होता है वो फरवरी महीना में जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है। ठीक है, और जनरल ईयर में फरवरी क्या होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात जनवरी की कर रहा है, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा मीन्स कि इसके बाद लीप ईयर आएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्च अप्रैल मई कुछ भी रहता तो लीप ईयर से जनरल ईयर में जाते तो प्लस 1 करते, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि ये समझ आ पाए कि लीप ईयर सिर्फ नहीं देखना है कि लीप ईयर से हमें जनरल ईयर में जाना, ये भी देखना है कि ये जो मंथ की बात कर रहा है वो कौन से मंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1 जनवरी 2008 की बात करें, मीन्स कि जनवरी के बाद ही फरवरी आएगा, तो फरवरी लीप ईयर का होता है, तो मीन्स कि 29 हो जाएगा, तो मीन्स कि 1 दिन बढ़ गया, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। तो पहले क्या था, मंगलवार था मींस कि ट्यूजडे था, प्लस 2 करेंगे तो ट्यूजडे, और प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ट्यूजडे वेडनेसडे, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिख दो, चलो थर्सडे हो जाएगा, क्लियर है। देखो आप बने रहो लास्ट तक, डेफिनेटली अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका आप हमेशा देखोगे कि लॉन्ग मेथड से होता है, बट अभी हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 5 नवंबर 1995 रविवार था। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नवंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 नवंबर 1994 को
सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, डेट सेम है और ये जो मंथ है ये भी सेम है, बट ईयर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मंथ और डेट दोनों सेम है, ईयर क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना है कि देखो अब ये कौन सा ईयर है, 1995, मींस कि ये क्या हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा, है ना, ये जनरल ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1994, तो 1994 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा जनरल ईयर ही है, है ना। तो यहाँ पे ये रविवार है तो मींस कि एक क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा। हम आगे जाना होता अगर 94 होता तब 95 पूछता, तो एक प्लस कर देते, है ना। तो रविवार है तो सोमवार हो जाता, बट यहाँ पे क्या है 95 का दिया गया, 94 का मींस कि पीछे जाना है। तो माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो माइनस 1 मींस कि पीछे जाएंगे। तो रविवार के पीछे क्या होता है, शनिवार होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, मींस कि सैटरडे। तो सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 12 मार्च 2018 इज संडे, 12 मार्च 2018 को क्या है, संडे है। तो व्हाट विल बी 12 मार्च 2022, मींस कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेट और ईयर, ठीक है, डेट और मंथ ये दोनों सेम है और ईयर क्या है आपका, डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 12 मार्च 2018 की बात कर रहा है और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 2022 की बात कर रहा है, मतलब कि गैपिंग कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैपिंग दिख रहा है ना। तो गैपिंग जब ज़्यादा है तो इसमें आप देखो लीप ईयर, और आपको ये समझना होगा कि लीप ईयर इसमें क्या है और जनरल ईयर इसमें कितना आता है। तो 2018 से देख लो तो 2018 क्या है आपका, जनरल ईयर हो जाएगा, 2019 भी ये क्या हो जाएगा, जनरल ईयर, 2019 भी क्या हो जाएगा, जनरल ईयर, 2020 क्या हो जाएगा, 2020 आपका लीप ईयर हो जाएगा, 2021 क्या हो जाएगा, जनरल ईयर, 2022 क्या हो जाएगा, जनरल ईयर। मींस कि चार जो ईयर है ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4 जनरल ईयर 1 लीप ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 1 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संडे है, 12 मार्च 2018 को क्या है, संडे है। तो आप ये चीज देखो, मंडे को कोडिंग करते हैं हम लोग 1 से, ट्यूजडे 2 से, वेडनेसडे 3 से, थर्सडे 4 से, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, और संडे को हम ले लेते हैं या तो 7 या तो 0। ठीक है, या तो 7 मान लो या 0 मान लो। तो यहाँ पे दिया हुआ है संडे, मींस कि 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 5। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो 5 किसका कोड है, फ्राइडे का, मींस कि फ्राइडे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप गिनते चलोगे कि संडे है 5 जोड़ दो उसमें, तो संडे 5, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तब फ्राइडे आएगा, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें भी। इससे अच्छा है कि ये नंबर अगर आपको याद होता है, कुछ याद भी करना है नहीं, कुछ याद करने वाला डिफिकल्ट तो है नहीं। मंडे से 1 से काउंट करेंगे, मंडे 1, ट्यूजडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, और संडे क्या हो जाएगा, 7 या फिर 0 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ये क्या है, डे एंड मंथ सेम और ईयर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। डे और मंथ दोनों सेम रहेगा और ईयर क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंट रहेगा, और गैपिंग बहुत ज़्यादा है ईयर का, ये 18 है, ये 22 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जनरल ईयर और लीप ईयर काउंट करके जितना मंथ गिना जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उस डे जो दिया रहेगा उसमें ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 मार्च 1835 इज संडे, 23 मार्च 1835 को क्या है, संडे है। व्हाट विल बी 23 मार्च 1882, 23 मार्च 1882 को कौन सा दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा का गैपिंग है, यहाँ पे क्या है 1835 है, यहाँ पे क्या है 1882 है। ठीक है, तो इसमें लीप ईयर जनरल ईयर अब तो ऐसे नहीं काउंट करते, तो नहीं जाएंगे कि 4 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 35 के बाद 36, 36 के बाद 1837, 1838, ऐसे तो नहीं करते जाएंगे, है ना। तो अब इसमें बस ऐसे करना है कि देखो 1835 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, तो 1836 ही आएगा, है ना, क्योंकि 36 क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा ना, 4 9 36, लास्ट का जो दो अंक अगर 4 से कट जाता है मींस कि वो ईयर क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है।
तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1836 हो जाएगा, जो कि हमारा ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, अब देखो 1882 के बाद कौन सा ईयर होगा जो कि लीप ईयर होगा, तो 1882 के बाद 83 तो होगा नहीं, मीन्स कि 84, तो 1884 क्या हो जाएगा हमारा, ये भी लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर को लीप ईयर में माइनस कर दो, तो मीन्स कि 1884 माइनस 1836 है, 1800 नहीं सिर्फ 84, 36 को कर दोगे तो बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस दोनों को माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 में से 36 जाएगा तो 48 बचेगा। अब इस 48 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 8, मीन्स कि क्या हो जाएगा, 12 जो है लीप ईयर हो जाएगा। 1835 से लेके 1832 के बीच में 12 आपका लीप ईयर होगा। अब बात करते हैं जनरल ईयर कितना होगा, तो कितना है 1882, तो 1882 में से क्या करो, 1835 को माइनस कर दो, जितना होगा वही जनरल ईयर हो जाएगा। तो इसको अगर माइनस करते हो तो कितना हो जाता है, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे क्या 7 में से 3 जाएगा 7, मीन्स कि 47 ईयर होता है, जो कि ये क्या है, जनरल ईयर है। अब क्या हो जाएगा, 47 जनरल ईयर्स हो गया और प्लस 12 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9 = 4 = 5, 59 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 59 को हम क्या करते हैं, डे निकालना होता है ना, तो डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो शेष बचता है वह जो शेष बचता है मीन्स कि ऑड जो बच जाता है, रिमाइंडर जो बचता है, उसी नंबर को हम क्या करते हैं, ये जो डे दिया रहता है इस डे में काउंट करते हैं। देखो यहाँ पीछे आपने 7 से डिवाइड करने वाली बात, ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी लागू होता है, देखो इस ये सारे क्वेश्चन में भी लागू होता है, बट हम यहाँ नहीं दिए, क्यों, बट ये क्या था कि अगर देखो इसमें भी क्या था कि मंगलवार था, मींस कि क्या हो जाएगा, मंगलवार का कोडिंग क्या है, 2 है, ठीक है, और 1 ऐड करना है प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 3। अगर 3 को 7 से अगर भाग करोगे तो शेष फल कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, इसलिए अगर 7 से कम अंक रहता तो उसको 7 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि शेष फल तो उतना ही आना होता है, और 3 का कोड क्या है, है ना, इसमें क्या, सॉरी यहाँ पे तो 2 प्लस करना था ना, मीन्स कि प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष तो 4 ही आएगा ना, ऑड नंबर कितना, 4 ही बचेगा, तो 4 मतलब क्या, थर्सडे हो जाएगा ना, तो कोडिंग क्या हो जाएगा, थर्सडे, डायरेक्ट यहाँ से देखो थर्सडे 4 है तो यही हो जाता है ना। तो डिवाइड 7 से हर में करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वीक में 7 दिन होता है ना, इसीलिए 7 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो देखो अब देखो इस ये जो क्वेश्चन बना रहे थे इसमें क्या 59 आया, तो 59 को क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 7 से अगर डिवाइड करते हो 8 × 7 = 56, ठीक है, मींस कि 56, 7 को 8 से अगर जाएगा डिवाइड करेंगे तो 56 8 से कटेगा, मींस कि 56 तक तो आ गया बट है कितना 59, तो कितना 3 जो है वो रिमाइंडर बच गया, इसको हम लोग कहते हैं कि 3 ऑड, जो शेष बचता है उसको ऑड नंबर, तो 3 हमारा ऑड नंबर बच गया, तो 3 जो ऑड नंबर बचा, तो मीन्स कि ये संडे है, संडे में क्या करो 3 को ऐड कर दो। ठीक है, तो संडे को अगर 0 मानते हो तो प्लस क्या कर दो, इसमें 3 करोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 किसका कोड है, वेडनेसडे का है ना, 3 देखो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, 3 तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या हो, कैसे हम किए हैं, बस हमें क्या करना है, लीप ईयर जनरल ईयर आपको समझ में आ गया कि लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं और जनरल ईयर हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है, और आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बट ये तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 मार्च 2011 इन सैटरडे, 4 मार्च 2011 क्या है, ये जो है वो सॉरी संडे है, ठीक है संडे ही है, सैटरडे नहीं है, संडे है। ठीक है, तो ये क्या है, संडे है, तो व्हाट विल बी 4 अगस्त 2011। अब इसमें देखो क्या है, इस क्वेश्चन में डे एंड ईयर ये दोनों क्या है, सेम है, बट मंथ क्या है, डिफरेंट है,
डे सेम है, डे सेम है, ईयर सेम है, ईयर सेम है, बट मंथ डिफरेंट है। ये मार्च है और ये क्या है, अगस्त है। ठीक है, तो इसको और नंबर से ले लो। देखो मार्च में कितना महीना कितने दिन का होता है, तो मार्च हमारा क्या होता है, 31 डेज का होता है। मार्च 31 डे का होता है। अप्रैल क्या होता है, 30 दिन का होता है। मई क्या होता है, 31 डे का होता है। जून क्या होता है, 30 डेज का होता है। जुलाई क्या होता है, 31 का होता है। और अगस्त क्या होता है, अगस्त 31 का होता है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि ये तो याद करना पड़ेगा, याद कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, तो ये सब चीज़ तो हम लोग हमेशा से कैलेंडर देखते हैं, तो ये सब चीज़ तो पता ही होता है कि कौन सा मंथ 31 का है, कौन सा मंथ 30 का आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आज ये भी सीख ही लो आप लोग, जनवरी से स्टार्ट करो। जनवरी तो क्या होता है, 31 का होता ही है। और फरवरी अगर लीप ईयर होगा तो 29 होगा, जनरल ईयर होगा तो 28 होगा। तो 28 और 29 कब होगा, याद हो गया, ये लीप ईयर में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जनरल ईयर में हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद 31 30 31 30, और जुलाई और अगस्त ये दो मंथ ऐसा है जो कि कंटिन्यू ये दोनों मंथ 31 31 का होता है। तो याद रखने लेना, 15 अगस्त वाला जो दिन होता है, मीन्स कि अगस्त वाला दिन 31 का होता है, उसके जस्ट पीछे जुलाई वाला भी 31 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगस्त के बाद सितंबर ये 30 का हो जाएगा, अक्टूबर फिर 31 का हो जाएगा, है ना, नवंबर फिर 30 का हो जाएगा, और दिसंबर क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। अब तो याद नहीं करना पड़ेगा, अब तो डेट क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये तभी ये ट्रिक काम करेगा जबकि डेट दोनों का सेम हो। ठीक है, डेट सेम होगा, ईयर दोनों का सेम होगा, और ये जो मंथ है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट है। डेट एंड ईयर सेम और मंथ, मंथ क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, तभी ये ट्रिक क्या करेगा, काम करेगा। कैसे, देखो मार्च का पूरा दिन ले लो, क्योंकि चार इधर जो चार दिन जो इधर का है, ये चार दिन हम क्या करते हैं, ले रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एक्चुअल में जो सब कोई बनाएगा तो क्या करेगा, इस चार दिन को छोड़ के, क्योंकि इसके आगे जो दिन बचेगा 31 का है, तो चार को 31 में से माइनस करके, बट हम मार्च का पूरा मंथ ले लेते हैं। मार्च कितना दिन का होता है, 31 का, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हो 31 को, तो क्या बचेगा, 7 चौक 28, तो मीन्स कि 3 हमारा ऑड बच जाएगा, 3 हमारा शेष बचेगा, 28 29 30 31, 3 ऑड बच जाएगा। ये किसका हो जाएगा, मार्च का। अप्रैल का क्या हो जाएगा, 30 का रहता है, तो अगर 7 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28, मीन्स कि 2 ऑड बच जाएगा, है ना, और 2 क्या बचेगा, ऑड बच जाएगा। अप्रैल के बाद मई का अगर लेते हो तो 31 का है, तो 31 में क्या बचेगा, 3 ऑड बच जाएगा। मई के बाद जून अगर लेते हो तो 30 का है, इसको 7 से डिवाइड करते हो तो इसमें क्या बचेगा, 2 ऑड बचेगा, है ना। उसके बाद फिर जुलाई का क्या बच जाएगा, 3 ऑड बचेगा, जो 31 का है वो 3 बच जाएगा, और जो 30 का होगा उसमें 2 ऑड बचेगा। ठीक है, तो मार्च से ले लो, तो मार्च में 3 ऑड बचा, 3 प्लस अप्रैल में 2 ऑड बचा, तो 2 प्लस मई में 3 ऑड बचा, तो 3 प्लस जून में क्या हो गया, 2 ऑड बचा, तो 2 प्लस जुलाई में कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 लिख लेते हैं जुलाई में भी यहाँ पे, है ना। तो अब देखो अगस्त नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगस्त में 4 अगस्त की बात कर रहा है, ठीक है, और इधर मार्च में 4 मार्च की बात कर रहा था, तो ये 4 तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, इसलिए इस 4 को छोड़ देते, अगस्त को छोड़ देना, अब सबको ऐड कर दो। ठीक है, 3 3 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 बच गया। अब 13 को क्या करो, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 6 बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे 6 जो बच रहा है, अब उसको क्या करना है, संडे है, मीन्स कि 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, मीन्स कि सैटरडे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। अगर आपको पता है कि अगर 31 का होगा तो 3 ऑड बचेगा, और 30 करेगा तो 2 ऑड बचेगा, डायरेक्ट 3 2 3 2, इस तरीके से लिख के ऐड करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और तरीके से बनता है, जो तरीका क्या है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उस तरीके में, बट ये तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक में है ये। और देखो इस एक और तरीका, टाइप 2 देख लेते हैं। तो टाइप 2 क्या होता है हमारा, इसमें कैसे बनता है, देखो मार्च में क्या है,
चार मार्च मीन्स कि 31 का महीना होता है, तो चार हटा लो तो कितना बच जाएगा 27, तो 27। उसके बाद अप्रैल, तो अप्रैल पूरा ले लो 30। अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा मई, मई क्या हो जाएगा 31। उसके बाद क्या हो जाएगा जून, जून क्या हो जाएगा 30। उसके बाद क्या हो जाएगा जुलाई, जुलाई 31। और अगस्त कितना डेट तक है, चार डेट तक है, तो चार यहाँ पे डाल दो। ठीक है, चार यहाँ पे डाल दिए। अब सबको क्या करो, ऐड कर लो, सात सात चार 11, 12, 13 का 3 कैरी क्या हो जाएगा 1, 3 6 9 12 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, तो ये 15 यहाँ पे 153 यहाँ पे ऐड करके ये आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 7 दूना 14 और 14 और यहाँ बच गया 13, तो 7 एक 7 मीन्स कि 6 बच गया रिमाइंडर, तो 6 रिमाइंडर बच गया, तो 0 + 6 बात यही आया, सैटरडे ही आया यहाँ पे आंसर, ये भी सैटरडे आया ऐसे करने पर। तो इतना ज़्यादा ऐड करने पर क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, और ये हम करेंगे 3 2 3 तो ये कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकेंड काफ़ी है इसके लिए। बट हमने दोनों टाइप से आपको बता दिया कि ये भी एक टाइप, हाँ तो बट ये टाइप आपको यूजफुल कब होगा, जब आपको ये जो डेट सेम है तब तो ये कर दिया। अगर डेट सेम नहीं होगा, मान के चलो यहाँ पे 4 मार्च है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 15 अगस्त दे दिया होता तो फिर क्या करते आप, तो फिर ये तरीका यूज करते। ठीक है, तो फिर ये तरीका जितना जितना डेट जिसमें बचा रहेगा सारे को ऐड कर दो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा मीन्स कि ऑड 6 यहाँ पे क्या बचा, ऑड बचा ना, जितना भी ऑड नंबर बचेगा उसको इस डे में ऐड करके आप नेक्स्ट निकाल सकते हो। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 4 मार्च 2022 इज फ्राइडे, 4 मार्च 2022 को क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, तो व्हाट विल बी 30 मार्च 2022, 30 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या है, डेट डिफरेंट है और मंथ सेम है और ईयर सेम है। डेट क्या है, डिफरेंट है, डेट क्या है, डिफरेंट है, और मंथ और ईयर क्या है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या है, सेम है। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो ईयर तो दोनों का सेम ही है ना, मतलब 22 की ही बात कर रहा था, 4 और यहाँ पे क्या है 30, मतलब 30 में से 4 को आप क्या करो घटा दो, कितना बच गया 26 बच गया। अब 26 को क्या करना है, 26 को 7 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 7 * 21, तो 21 हो जाएगा, मीन्स कि इधर कितना शेष बच गया, 5 बच गया, है ना, तो 5 बच गया। अब देखो फ्राइडे का हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो फ्राइडे अगर 5 लेते हैं प्लस इसमें क्या करेंगे 5, क्योंकि फ्राइडे का कोड तो 5 है ना, यहाँ पे जो हमने पहले देखा था कोड, तो देखो यहाँ पे फ्राइडे का क्या है 5 है, तो फ्राइडे का 5 है और यहाँ पे ये कितना आया 5 आया, ये ऑड नंबर कितना आया 5 आया, मीन्स कि शेष 5 आया, तो 5 को ऐड कर दोगे कितना बचेगा 10, 10 को 7 से कर दो, ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, मीन्स कि आपको क्या करना है 3 आपका किसका ना कोड हो जाएगा 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा वेडनेसडे का होता है ना 3, तो हमारा क्या हो जाएगा वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। देखो अगर 7 से ज़्यादा अंक आता है तो सिंपल उसे क्या करो 7 से डिवाइड करके और तब उसका ऑड नंबर निकालो। ठीक है, जब भी ऐड करो कुछ भी नंबर आता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है डेज निकालना है, तो डेज तो 7 ही दिन का होता है ना, तो आगे कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमें कोडिंग से कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कोडिंग से, इसीलिए अगर कोडिंग से नहीं करते तो देखो 5 था तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाता, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, डायरेक्ट वेडनेसडे लिख देते, तो ऐसे पढ़ के 5 आगे करते। बट अगर हमें पता है कि कोड 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक होता है, 7 या तो 0, ठीक है, संडे को या तो 7 या तो 0 मानते हैं, तो ऐड करके क्यों ना डिवाइड करके ऑड नंबर देख ले। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टुडे इज वेडनेसडे, आज क्या है बुधवार है, तो आफ्टर 43 डेज इट विल बी, तो 43 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो यहाँ पे देखो वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है 43 दिन के बाद, मीन्स कि 43 को क्या करेंगे डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना,
दशाक्षर के 42 मीन्स कि एक हमारा यहाँ पे वन क्या बच रहा है, ऑड बच रहा है, मीन्स कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, वन बच रहा है। तो रिमाइंडर अगर वन बच रहा है तो इस वन को क्या करेंगे, वेडनेसडे में ऐड कर देंगे। तो 4 + 1 तो 5, तो 5 किसका है, या तो एक है तो ऐड करने की जरूरत भी, डायरेक्ट वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, तो थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं अगर ऑड ऐसे ही नहीं कहा तो 4 × 1 = 5, तो 5 क्या थर्सडे का हो जाएगा। जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे करो, हमने हर एक तरीके से बता देता है कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा आंसर है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगा कैलेंडर पर, उसमें हम देखेंगे कि डे मंथ ईयर सारा डिफरेंट होगा, कुछ भी एक नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। आज यहीं पर क्लास को इन करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।